बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, थोड़ा इधर हवा में आया दोस्तों। आ रहा अभी ये पूछ रहा है क्या जी, मस्त लग रहा है ना, गर्मी लग रहा है, हपसने लगता है दोस्तों। तो एक और बकरी है, उसको भी ले आते हैं जाकर। अब इसको कटिंग करते हैं, देखिए इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में। आटा खड़ी कितना सारा काट के ले आए हैं दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा कांटा है, एकदम नुकीला नुकीला ना। बड़ी सावधानी से कटिंग करते हैं, सरसों वाली मसलेदार एकदम देसी कांटा खड़ी का सब्जी बनाए दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज का रेसिपी कुछ खास और स्पेशल सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों। तो आज बनाने वाले हम लोग हैं दोस्तों कांटा खड़ी। तो कांटा खड़ी को काटने के लिए दोस्तों देख सकते हैं हसुआ लेके आए हैं, और एक सूप, बड़ी एकदम कांटा रहता है दोस्तों, एकदम नुकीला नुकीला कांटा, तोड़ते हुए और उसको सफाई करते हुए ना बड़ी सावधानी रखना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो तुरंत हाथ में चुभ जाता है, बड़ी डर लगता है दोस्तों। और देखिए सुबह होता है ना, लगता है कि 12 बज गया, देखिए कितना ज्यादा धूप हो गया दोस्तों। और कांटा खड़ी दोस्तों कोई नहीं बनाया होगा, पूरा यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा कांटा खड़ी दोस्तों। उसका की जो खड़ी रहता है दोस्तों उसमें कांटा रहता है दोस्तों, और ये सिर्फ गाँव में ही मिलता है। जो किसान लोग रहता है ना वही लोग ज्यादा खाता है दोस्तों। उससे क्या होता है ना कि जो कांटा खड़ी खाता है उससे क्या होता है, शरीर का दर्द, हाथ पैर में दर्द नहीं होता। पुराना जमाना लोग दादी लोग बोलती है, और हम लोग देखते हैं भी दोस्तों वो खड़ी कर खाएंगे ना, तो हम लोग जितना भी मतलब किसान लोग कितना ज्यादा मेहनत करता है, काम करता है, थक जाता है, शरीर बर्दन हाथ पैर दर्द देने लगता है, तो वो खड़ी खाता है ना दोस्तों तो हाथ पैर का दर्द थोड़ा ठीक होता है, राहत मिलता है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा खड़ी है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं बागान पे दोस्तों, और इधर भी नींबू का पेड़ है, इधर भी नींबू का पेड़, और बीच से जा रहे हैं, बहुत सारा कांटा है, नींबू भी खड़ा हुआ है दोस्तों इसमें, देखिए। चलिए भी देखिए यहाँ पे कांटा खड़ी बहुत सारा है दोस्तों, एकदम नाजुक नाजुक है, मस्त एकदम, ये देखिए कितना ही मस्त है। गांव देहात में आसानी से ये वाला कांटा खड़ी आसानी से मिल जाता है दोस्तों, ये देखिए कितना ज्यादा कांटा है, एकदम नुकीला नुकीला ना। बड़ी सावधानी से कटिंग करते हैं दोस्तों इसको, चलिए वो छोटा सा है उसको भी कटिंग कर लेते, इधर और भी है देखिए कितना सारा है, देखिए बड़ी नाजुक नाजुक कांटा खड़ी है दोस्तों। थोड़ा सा एकदम कटिंग कीजिएगा ना, तो थोड़ा सा सावधानी रख के कटिंग कीजिएगा, हाथ में तुरंत से चुभ जाएगा, देखिए इतना सारा तुरंत तोड़ लिया, अभी भी बहुत सारा दोस्तों तोड़ते हैं, अभी देख सकते हैं इतना सारा कांटा खड़ी को तोड़ लिया है इस बगान पे से दोस्तों, और देखते हैं दूसरा बगान में और होगा, तो अभी तो यहाँ इतना सारा तोड़ लिए हैं, और बहुत ज्यादा धूप लग रहा है दोस्तों, यहाँ धूप में थोड़ा सा निकलते हैं पूरा पसीना पसीने हो जाता है, पानी प्यास लग रहा है, चक्कर आ जाएगा वैसे लगने लगता है धूप में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी घर पे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग कांटा खड़ी कितना सारा काट के ले आए हैं दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ज्यादा। हम लोग सोचे कि छोटा सा बाड़ी नहीं होगा दोस्तों, लेकिन जब खोजने लगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा निकल गया दोस्तों, सुंदर सुंदर लग रहा है। हाँ मस्त है दोस्तों, अब इसको हम लोग आराम से इस तरह से कटिंग करके इस तरह से एकदम से को हटाएंगे, बड़ी ज्यादा कांटा है। हाँ, और एकदम से इस तरह से एकदम खड़ी का आकार में बनाना होगा दोस्तों, इस टाइप में करना होगा दोस्तों। तो हम लोग सारा एकदम से बनाते हैं दोस्तों, कांटा बड़ी है, कांटा सारा एकदम छुड़ाएंगे इसका कांटा को। हाँ, सारा कांटा को निकालना पड़ेगा दोस्तों, तो हम लोग दोनों मिलके भी कांटा निकालते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा कांटा है, जल्दी से सफाई करते हैं, तब तो बनेगा, जितना खाने में स्वाद लगता है मेहनत भी करना पड़ता है दोस्तों। देख सकते हैं हम लोग खटिया में बैठ गए हैं, नीचे में बड़ा मुश्किल होता है बैठने में, खड़ी वहाँ पे गंदा हो जाएगा नीचे में दोस्तों, इसलिए खटिया में रख के इसको सफाई कर रहे हैं। इसका साग का ना चटनी बनता है, बड़ी अच्छा लगता है चटनी, आपको पता है इसका पत्ता का चटनी बड़ी स्वाद लगता है। अरे उसका जो कांटा रहता है वो कहाँ चला जाता है? कांटा नहीं जी, सिर्फ पत्ता को चुनना पड़ता है एक एक करके, बड़ी अच्छा लगता है दोस्तों। देख सकते हैं इस टाइप में एकदम से हम निकाल लिए हैं, देखिए कितना सॉलिड सॉलिड, अब इसमें देखिए कितना छुएगा, इसमें कांटा नहीं है दोस्तों। हाँ। बिल्कुल कांटा इसमें नहीं है, और अच्छा लगेगा। हाँ एकदम मुलायम लगता है, इसको एकदम से बारीकी से कटिंग करेंगे इतना बड़ा बड़ा, तब एकदम अच्छा से दिखेगा और सीझेगा मस्त।
दोस्तों देख सकते हैं सारा दम खड़ी को सफाई कर ली हम लोग दोनों मिलके दोस्तों। अब इसको कटिंग करते हैं, देखिए इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में, बड़ा ही नाजुक खड़ी एकदम, इतना मस्त लगेगा ना खाने में, कितना नाजुक नाजुक है ना एकदम, कटिंग कितना अच्छा हो रहा देख सकते हैं, कितना ही नाजुक है एकदम। हम लोग चुन चुन के नाजुक नाजुक वाला ही बनाए हैं दोस्तों, देखिए कितना सारा खड़ी निकला है एकदम। तो दोस्तों बकरी ले आए हैं दोस्तों और बकरी बांध देते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा धूप है दोस्तों और उधर एकदम ज्यादा धूप हो गया है ना दोस्तों, तो बकरी सब हपसने लगता है दोस्तों, तो एक और बकरी है उसको भी ले आते हैं जा करके। तो दोस्तों देख सकते हैं, आओ आओ ना पानी पिए, गिरे पी लो। तो दोस्तों एक और थी, ये भी धूप में, इसको भी ले आए हैं और बांध के रख देते हैं दोस्तों। अब छाव है यहाँ पे तो थोड़ा बैठेगी आराम से दोस्तों, कहे कि फिर 2-3 बजे इन लोग को भूख लग जाएगा, फिर खोलना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। और ये सब जो है वो कांटा वाला जो पत्ता है दोस्तों, सबको दे देते हैं, खाएगी लो बीच। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से खा रही है, एकदम से कांटा है दोस्तों फिर भी खा जा रही है, देखिए नाजुक है ना इस वजह से खा जा रही है, एकदम से कांटा हो गया है फिर भी खा जा रही है, देखिए कितना आराम से खा रही है, मस्त खा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं एकदम कांटा खड़ी को अच्छा से कटिंग करके और बढ़िया से धो लिए हैं दोस्तों, देखिए इतना सारा निकला है। तो हम लोग कांटा खड़ी में थोड़ा सा आलू मिक्स करेंगे दोस्तों, थोड़ा ग्रेवी अच्छा बनेगा और थोड़ा टेस्टी भी लगेगा, वैसे सिर्फ कांटा खड़ी अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो देखिए इतना सारा आलू को भी एकदम कट करके और धो लिए दोस्तों, और इतना सारा पानी लिए हैं, कांटा खड़ी को भी इसी में मिक्स कर देते हैं दोस्तों आलू में, और चूल्हा में चढ़ा देते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको ना भूंज के अच्छा नहीं लगेगा उतना जितना इसको पका के अच्छा लगेगा, अगर पका के बनाएंगे ना तो उसमें हल्दी नमक अंदर तक मसाला जाएगा तो खाने में बड़ी टेस्टी लगेगा। तभी स्वाद अनुसार नमक दे देते हैं दोस्तों और हल्दी पाउडर, तो हल्दी और नमक दे दिए ना दोस्तों। अब इसको ढक के एकदम बढ़िया से पकाते हैं, तो ये इधर देख सकते हैं प्याज कटिंग कर रहा है, आपको दिखा नहीं लग रहा है, आंसू नहीं आ रहा आंख में। तो हम आगे भी मसाला पीसने के लिए मसाला पीस लेते हैं, काफी ज्यादा गर्मी है एकदम, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। सिलबट्टा को धो लेते हैं पहले दोस्तों। कांटा खड़ी में सबसे जरूरी रहता है मेन मसाला, वो रहता है सरसों। तो दोस्तों कांटा खड़ी में जितना अच्छा सरसों दीजिएगा, सरसों देना सबसे अति आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि सरसों अच्छा लगता है, सरसों वाली मसालेदार कांटा खड़ी की सब्जी बनाएंगे दोस्तों। तो भी देखिए लहसुन है, मिर्ची है, गोलकी जीरा है और ढेर सारा सरसों है दोस्तों। तभी मसाला को पीस लेते हैं, इतना अधिक गर्मी लगता है ना कि साड़ी से हम पसीना पोछ पोछ के ना मेरा मुंह पूरा छिल गया है एकदम, घाव पड़ गया, छाला पड़ गया, छाला मुंह में पोछ पोछ के। तो दोस्तों सब्जी उबल गया है, पक गया है एकदम अच्छा से दोस्तों। तो चलिए अब इसका ग्रेवी बनाते हैं दोस्तों, एकदम अच्छा से उबल गया है, इसको निकालते हैं अभी दूसरा बर्तन में। तो दोस्तों वही कड़ाई में अभी ग्रेवी बनाते हैं दोस्तों। तो डाल रहे अभी सरसों तेल, तो दोस्तों तेल गर्म हो गया है, अभी तेज पत्ता डाल रहे दोस्तों, कटा हुआ प्याज देते हैं दोस्तों, ये कट करके रखे थे ना सारा प्याज दे देते हैं। तो प्याज फ्राई हो गया, जो मसाला पीस के लाए थे दोस्तों, अब मसाला डाल देते हैं सब दोस्तों। अब पानी डाल डाल के भी मसाला को थोड़ा देर एकदम अच्छा से फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों काफी ज्यादा गर्मी लगा तो हम छोड़ दिए दोस्तों, हम आ गए हमें थोड़ा, तो जो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, थोड़ा इधर हवा में आए दोस्तों, और अभी ये भूंज रहे क्या जी, मस्त लग रहा है ना, गर्मी लग रहा है। तो अभी जल्द बढ़िया से फ्राई करते दोस्तों मसाला को, नहीं तो फिर तीखा तीखा लगेगा मिर्ची वाला, बढ़िया से मसाला फ्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मसाला को अच्छा से भून लिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो चलिए अब जो सब्जी रखे थे दोस्तों उबाल के, सारा एकदम कांटा खड़ी को दे देते हैं।
उधर गर्मी और इधर हवा से परेशान। तो फाइनली दोस्तों सब्जी बन गया है दोस्तों, और बादल छा गया है, बारिश हो सकता है, पता नहीं, इतना ज्यादा धूप था और तुरंत बादल छा गया है दोस्तों। देखिए सब्जी निकाल लेते हैं अभी और इसको खाने दे देते हैं दोस्तों, खाया नहीं है, भूख लग गया इनको। तो देख सकते हैं दोस्तों हल्का ग्रेवी टाइप में रखे हैं, सरसों वाली मसलेदार एकदम देसी काटा खड़ी का सब्जी बनाए दोस्तों, ग्रेवी है मस्त एकदम, हल्का ग्रेवी टाइप में बनाए हैं, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है दोस्तों, एकदम मछली जैसा खुशबू आ रहा है। तो हमारे पति देव भी काट के बताएंगे टेस्ट कैसा बना है। देखिए ग्रेवी ही मस्त बना है दोस्तों एकदम, कितना सुंदर लग रहा है ना, लग रहा है एकदम खुशबू आ रहा, सच में लग रहा है मछली बनाया सरसों दिए सो। सो फाइनली दोस्तों हमारा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और सब्जी कैसा बनाइए बताइए, मस्त जबरदस्त मछली जैसा लग रहा ना दोस्तों। हमारा छोटा सा ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।